पिछले दिनों नगर निगम का अमला वार्ड क्रमांक 14 में स्थित मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी गया था। वहां पर अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। वहां पर जो मकान बने हुए निगम प्रशासन का कहना है कि वो अवैध है, वो अवैध कॉलोनी है जहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। जब वहां पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई तो महू की विधायक उषा ठाकुर भी वहां मौके पर पहुंची और कार्रवाई को रुकवा दिया। चूंकि वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद अश्विनी शुक्ल हैं, उन पर भी तमाम तरह के आरोप वहां के रहवासियों ने लगाए और किसके कहने पर आरोप लगाए ये हम उनसे जानेंगे कि अश्विन शुक्ल उनसे पैसे मांग रहे हैं ये कहां तक सही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी शुक्ल जी, जो MIC सदस्य भी हैं, वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद भी हैं। अश्विनी जी, अभी 3-4 दिन पहले मारवाड़ी अग्रवाल नगर जो आपके वार्ड में आता है वहां पर नगर निगम का अमला पहुंचा था और कार्रवाई की जाना थी। तकरीबन 25 मकान तोड़े जा रहे थे। नगर निगम का अमला भारी पुलिस बल के साथ वहां मौजूद था, कार्रवाई शुरू भी हो गई थी, लेकिन इसी बीच मऊ की विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर वहां मौके पर पहुंची और कार्रवाई को रोक दिया। क्या है पूरा मामला और आप पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए? मेरे वार्ड में स्थित मारवाड़ी अग्रवाल नगर पूर्णतः अवैध कॉलोनी है और जैसा कि आपने बताया कि उषा दीदी वहां पहुंची, तो उषा दीदी क्यों पहुंची है तो उषा दीदी से पूछना चाहिए कि उनका क्या इंटरेस्ट है। पर मेरे को जिस प्रकार से जानकारी मिली कि समाचार पत्रों से और जनता के माध्यम से कि वो 35 साल पुरानी कॉलोनी है ऐसा बताया गया, और मैंने भी बाद में उसमें खसरे और ये सब निकाले और पुरानी रजिस्ट्री निकाली तो उसमें उषा दीदी के भाई राकेश ठाकुर, अम्मू ठाकुर जिनको बोलते हैं, उनका नाम है, उनकी साइन है, उन्होंने ही रजिस्ट्री पे साइन करी है, ये बात सत्य है। और मेरे को लगता है कि शायद उषा दीदी अपने भाई के मोहवश ही पहुंची हुई, क्योंकि मैं उसके बाद मेरा बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ तो सब लोग ये बोलते हैं कि यार उषा दीदी को अगर जनता की चिंता है तो फिर उनको और जगह भी जाना चाहिए जहाँ जहाँ अतिक्रमण टूटती। तो मेरा तो निवेदन दीदी के भाई से या दीदी से सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की अवैध कॉलोनी बसा के जनता को गुमराह नहीं करें। और जनता गुमराह होती है और होता है कि बाद में फिर अगर वो मकान टूटेंगे, क्योंकि कॉलोनी अवैध है, डेवलपमेंट वहाँ कुछ भी नहीं है, नाम मात्र का डेवलपमेंट नहीं है। मतलब हम लोग उस कॉलोनी को लेकर बहुत परेशान है, माननीय कैलाश जी हमारे विधायक जी और मैं खुद और हमारे सारे लोग उसको लेकर परेशान है कि उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे। आज आप जाके वहाँ देखोगे तो अंबिकापुरी, अशोक नगर, परमहंस कॉलोनी और विद्या पैलेस, इससे घिरी हुई वो कॉलोनी है और गड्ढा है और उस गड्ढे में ड्रेनेज का पानी भरा पड़ा हुआ है। लोग वहाँ पे जो जिस स्थिति में आज बेचारे गरीब लोग रहने गए हैं तो वो इतनी गंदगी में रह रहे हैं और वो लगातार माननीय कैलाश जी को फोन लगाते रहते हैं वहाँ से कि हाँ भैया हमारे एक ड्रेनेज का पानी किसी प्रकार निकलाओ। मैंने वहाँ बहुत प्रयास करे माननीय कैलाश जी के कहने पर उसको डिस्पोज का कोई हल ही नहीं है वहाँ के, क्योंकि वो गड्ढा है और हमारी इन तीनों कॉलोनियों में जो लाइन डली हुई है वो उससे ऊपर है तो उसका हल नहीं है कुछ। पर वो कुल मिला के अभी मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह है कि उषा दीदी हों या उषा दीदी के भाई हों या और कोई भी हो, अवैध कॉलोनी तो कहीं भी नहीं काटना चाहिए और किसी को भी नहीं काटना चाहिए। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश अनुसार कार्रवाई हुई है वो, तो मुख्यमंत्री जी का निवेदन भी है सबसे कि अवैध कॉलोनी काटना नहीं चाहिए। तो आपके माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं काटे और बाद में क्या गरीबों का नुकसान होता है उसका बड़ा दुख होता है। हम भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे, हमें लोगों ने दस्तावेज दिखाए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उनका नक्शा स्वीकृत है, ग्राम पंचायत से उनके पुराने नक्शे स्वीकृत है, ये एक अलग बात है कि कॉलोनाइजर ने वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन दस्तावेज के नाम पर तो उनके पास जो दस्तावेज होना चाहिए, जैसे ग्राम पंचायत में जो इलाके आते हैं तो ग्राम पंचायत के अनुसार वो उनके दस्तावेज कंप्लीट हैं। चूंकि अब नगर निगम सीमा में आ गई तो क्या नगर निगम इसका कोई हल निकाल सकता है? हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने 3 दिन पहले नोटिस लगाए थे, आपके कहे अनुसार अगर कॉलोनी नाजर के पास सारे दस्तावेज हैं तो मेरे को लगता है कि उनको पहले दिन ही पहुंच जाना था, है ना। पहले दिन अगर वो पहुंच जाते हमारे अधिकारियों के पास तो ये कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई हुई है इसका मतलब है कि दस्तावेज कंप्लीट नहीं है और नक्शा तो उस कॉलोनी का हो या कोई भी उधर का तो वो नक्शा नगर निगम तो पास कर नहीं रही है क्योंकि अवैध कॉलोनी है। तो ये क्या कर रहेगा, आज भी पुराने डेट में जो पंचायत से नक्शे पास होते थे वो पुराने डेट में नक्शे पास करा करा के और बिल्डरों को प्लाट बेच रहे हैं और वो बिल्डर जो है मकान बना बना के बेच रहे हैं। तो बिल्डर और कॉलोनी नाइजर की मिली भगत से वहाँ सब काम हो रहा है और गरीब जनता जो है
वो थोड़ा सस्ते के चक्कर में मकान खरीद लेती है, पर मेरी आपके ने आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन है कि वहाँ मकान नहीं खरीदें, क्योंकि आगे पीछे कभी कार्रवाई हुई तो मकान बनाना जीवन का एक सपना होता है और कभी अगर वो अपनी ढलती अवस्था में टूट जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मकान इसलिए बनाना बड़ा कठिन काम है, आज इंदौर में मकान बनाना मतलब आदमी लोन लेकर मकान बनाता है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहाँ अभी जब तक वो कॉलोनी भेद नहीं हो जाए या नियमितीकरण नहीं हो जाए या कॉलोनी नाजर उसमें कुछ उसकी व्यवस्था बराबर प्रॉपर नहीं लगा दे तब तक वहाँ निर्माण कार्य नहीं करे, क्योंकि टूटेगा तो हमको दुख होता तकलीफ। इसे ऐसा नहीं माना जाए कि एक विधायक और पार्षद के बीच में रस्साकशी चल रही है जिसके चलते आम लोगों का नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनी है, नगर निगम अपनी कार्रवाई करेगा, विधायक चाहती है कि मकान नहीं टूटे, तो इसे क्या राजनीतिक रस्साकशी नहीं माना जाए? अरशद भाई मैं बताऊं कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो है सिर्फ पार्षद के कहने पे नहीं होती, इसमें पूरा अमला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि अवैध कॉलोनी नहीं कटे, तो ये बड़ा मामला है, ऊपर के सब लोगों का तय करा हुआ या मतलब जैसा कि आदेश है कि अवैध कॉलोनी नहीं कटे, तो हम सारी अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार कर रहे हैं। तो इसके अलावा और भी जो जो कॉलोनी कट रही, कोई ऐसा नहीं है कि ये कॉलोनी पे जाना था, पूरे इंदौर में या पूरे प्रदेश में जहाँ भी अवैध कॉलोनी कट रही मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार वहाँ कार्रवाई होगी, और नियमितीकरण में अगर उसको लेना है तो कॉलोनी नाजर या फिर जनता, जहाँ कॉलोनी नाजर नहीं है तो वहाँ जनता या रहवासी संघ जो होता है वो उसको नियमितीकरण में ले, और यहाँ अगर कॉलोनी नाजर उपस्थित है आज तो उस कॉलोनी नाजर का ही दायित्व है कि वो नियमितीकरण में नगर निगम में लगाए और उसका पूरा टैक्स भरे, पूरा उसका जो भी हम लोग तय करते वो करके और उसमें डेवलपमेंट करें। विधानसभा एक में आपका वार्ड क्रमांक 14 आता है, विधानसभा एक से कैलाश चौधरी विधायक हैं, साथ ही नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, ये उन्हीं के विभाग का पूरा मामला है। ऐसे में कैलाश जी ने क्या निर्देश दिए हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि इसमें सीधे सीधे आप ही की पार्टी की विधायक उषा ठाकुर मैदान में आ गई है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि कैलाश जी और उषा ठाकुर के बीच कुछ मतभेद हैं उसके चलते ये कार्रवाई की गई? मेरे को नहीं लगता कि ऐसा है। अवैध कॉलोनी नाजर वो किसी का भी भाई नहीं होता, किसी का सगा नहीं होता, वो आदतन अपराधी होता है। जैसा कि राकेश ठाकुर जी के बारे में बताऊं तो उन्होंने पहले भी एक अवैध कॉलोनी केदारनगर काटी है, जिसमें उन्होंने योजनाबद्ध बाद में नगर निगम से उसका डेवलपमेंट करा लिया, और अब ये मारवाड़ी अग्रवाल नगर, तो इस प्रकार की वो शीतलेश्वर कुछ उनकी वो है संस्था है उससे वो काटते हैं, पर अवैध काम ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अवैध कॉलोनी नहर का कोई भाई होता है, कोई बहन होती है या कोई जीजा होता है, कोई साला कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अवैध कॉलोनी नहर अपराधी होता है कुल मिला कि वो कोई भी हो, तो इस पर किसी प्रकार की कोई योजना से काम हो ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार हमारे विधायक और मंत्री श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी के आदेश अनुसार ये लोग इन कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। हमारे महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर को हम जो है अवैध कॉलोनी मुक्त करेंगे, ये हमारा उद्देश्य। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो जैसा आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अवैध कॉलोनियों की अब कहीं जगह नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। कैलाश जी भी ये चाहते हैं कि शहर विकसित हो, क्योंकि जब वो महापौर थे तब भी उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया, अब नगरीय प्रशासन है और इंदौर एक ऐसा शहर माना जाता है कि सपनों का शहर कहते हैं इसको। ऐसे में इस तरह के जो कॉलोनाइजर हैं वो कॉलोनी काटते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने के में निर्देश दिए गए, तो क्या नगर निगम प्रशासन इस तरफ कोई काम करेगा, क्योंकि एक चलती हुई कार्रवाई को रोक दिया गया? नगर निगम जो या मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे कैलाश जी हैं या महापौर जी हैं, हम लोग सब लोग मिलके पूरे इंदौर में अवैध कॉलोनी अब डेवलप नहीं हो, आगे से जो नियमितीकरण में हमने ले लिए हैं उनको हम नियमितीकरण में लेंगे, पर आगे से अवैध कॉलोनी बने नहीं या बसे नहीं, तो इसके लिए प्रयासरत हैं। और ये जो कॉलोनी जिस पे कार्रवाई हुई है तो आप जाके देखोगे आज तो आज वहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है और प्लाट जो है खाली पड़े हुए हैं। और ऐसे आप अगर केदारनगर में भी जाके देखोगे जो इन्होंने पहले काटी, तो केदारनगर में आज भी पूरे प्लाट खाली पड़े हैं और वो सब इन्हीं के नाम पे हैं। आप इस कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये इसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुस गई है और उषा ठाकुर मैदान में है, तो यदि नगर निगम प्रशासन ये मानकर इस पर कार्रवाई करता है कि अवैध कॉलोनी है, इस पर दोबारा बुलडोजर चलाया जाए, ऐसे में वापस से आपका बीजेपी संगठन या विधायक मंत्री
आमने महापौर आमने सामने नहीं हो जाएंगे? मेरे को लगता है कि इसमें जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अवैध कॉलोनी नाजर वो किसी का भाई नहीं होता, किसी का रिश्तेदार नहीं होता। तो अगर उसमें वहाँ दीदी पहुँची हैं और अगर इसलिए पहुँची हैं कि वो उनके भाई की कॉलोनी है, तो मेरा दीदी से भी निवेदन है कि दीदी मंत्री रह चुकी हैं और बहुत जिम्मेदार हमारी महिलाएं विधायक भी हैं, तो उनसे मेरे आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि अवैध कॉलोनी जहां भी कटे किसी का भी हमको सहयोग नहीं करना चाहिए। वो भले ही हमारे रिश्तेदार हों, हमारे भाई हों, कोई भी हो, अवैध कॉलोनी अब कटना नहीं चाहिए इंदौर में। एक आरोप आप पर वहां के लोग लगा रहे थे बार बार के अश्विनी शुक्ल जो यहाँ के पार्षद हैं वो 5 लाख रुपए प्रति प्लाट मालिक से मांग रहे थे, ये कहाँ तक के उचित है? क्योंकि सीधे तौर पर हमारे कैमरे पर लोगों ने कहा कि जो स्थानीय पार्षद हैं वो डिमांड कर रहे हैं बार बार रुपयों की। मैं ये भी आपके माध्यम से बोलता हूँ कि जिसने भी वो आरोप लगाया है, एक तो मैं मानहानि का दावा लगाने जा रहा हूँ, जिसने भी आरोप लगाया उसके खिलाफ मैं मानहानि का दावा लगाऊंगा, और अगर उसने ये सिद्ध कर दिया किसी भी माध्यम से कि मैं कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हूँ, तो मैं आपके माध्यम से ये घोषणा करता हूँ कि मैं उसी समय राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैंने वहाँ तो कहीं किसी से भी कोई भी नागरिक अगर बोल देगा ऐसा, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा उसको सिद्ध करना। बहुत साफ सुथरी छवि वाले नेता रहे, मैं आपको आज से नहीं जान रहा हूँ, सालों से जान रहा हूँ, एक साफ सुथरी छवि वाले नेता रहे, डिसेंट रहे, संघ से जुड़े हुए नेता रहे, आपके पास नियम कायदे उसूलों पर चलने वाले नेता रहे, इसके बावजूद आपके वार्ड में ऐसी घटना घट जाती है, लोग आप पर आरोप लगा देते हैं, ये कैसे संभव है? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर के अधिकारियों का या संघ की पृष्ठभूमि से जो मैं हूँ, तो संघ के किसी भी अधिकारी का चूंकि मेरे पे विश्वास इतना होता है उनका, तो किसी का भी फोन इस विषय में नहीं आया। और मैं तो कहता हूँ कि दीदी भी नहीं मानेगी इस बात को कभी भी। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताऊँ कि क्या ये कल्पना आप कर सकते हो कि उषा दीदी कोई कॉलोनी काटे, उनका भाई काटे और मेरे को पैसे मिलेंगे? है ना, ये तो संभव नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊं केदारनगर में क्या क्या हुआ, पर इसमें मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूं, उनके साथ कहीं भी ऐसा संभव नहीं है, मैं ये काम करता नहीं हूं। और अगर कोई आरोप सिद्ध कर देगा तो मैं आपके माध्यम से आज फिर से बताता हूं कि मैं उसी क्षण उसी समय इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति करना बंद कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे अश्विनी शुक्ल जो वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद भी हैं अग्रवाल मारवाड़ी नगर में, जिस तरह की कार्रवाई की वो उसको कह रहे हैं सही है वो कार्रवाई, क्योंकि वो जो कॉलोनी है वो विधायक उषा ठाकुर के भाई अंबू जी की है और वहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, इसी के चलते कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में किसी तरह का विकास कार्य नहीं किया जाएगा, यदि अवैध को वैध करना है तो उसको नियमितीकरण में लाना होगा। जहाँ तक के उन पर लगाए गए आरोप की बात है कि जो स्थानीय लोगों ने वहाँ के लोगों ने जो आरोप लगाए थे कि अश्विनी शुक्ल 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, उन्होंने उस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यदि ये सिद्ध हो जाता है तो मैं क्षण भर भी देर नहीं करूँगा, मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूँगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।